हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। फ्रेंड्स, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स की वीडियो डाली है वर्ड्सवर्थ की, उसको भी आप देख सकते हो। और आगे में मैं डालूंगी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। क्वेश्चंस आपको जितने प्रैक्टिस हो जाएँ उतने कम है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, 1802 में ये वर्क आया था विलियम वर्ड्सवर्थ का। तो फर्स्ट ओरिजिनली कॉल्ड, इसको ओरिजिनली क्या कहते हैं, मतलब इसका जो ओरिजिनल नेम है वो क्या है, बताइए फ्रेंड्स, क्या है इसका? लीच गैदरर है, लेमिया है, डिटर्मिनेशन है या नन ऑफ दीज है, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? तो दोस्तों इसमें आपका होगा लीच गैदरर, ठीक है। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस को और क्या कह सकते हैं हम? लीच गैदरर। और 1802 में ये वर्क इनका आया था, ये भी याद रखना है आपको। दिस ओल्ड मैन आई मेट अ फ्यू हंड्रेड यार्ड फ्रॉम माई कॉटेज एट टाउन एंड ग्रासमेयर एंड द अकाउंट ऑफ हिम इज टेकन फ्रॉम हिज माउथ। दिस इज द रेफरेंस दैट वर्ड्सवर्थ गिव्स एंड इट रिजल्टेड इन अ पोएम, बताइए ये कौन सी पोएम में है, ठीक है? बताइए फ्रेंड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम में है ये वर्क? रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस से है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, या फिर माइकल, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से किस में ये वर्क आपको मिलता है, मतलब ये जो लाइंस हैं ये किस में आपको मिलती हैं? तो फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ये इसका आंसर है। चलिए आगे, विच पोएम वॉज रिटन लॉर्ड नेल्सन, विलियम वर्ड्सवर्थ की ऐसी कौन सी पोएम है जो लॉर्ड नेल्सन के डेथ के तुरंत बाद इन्होंने लिखी थी? लीच गैदरर है, ठीक है, करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ है, करेक्टर ऑफ हैप्पी वॉरियर है, या इनमें से कोई भी नहीं है, बताइए फ्रेंड्स फटाफट से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, करेक्टर ऑफ हैप्पी वॉरियर, जो लॉर्ड नेल्सन की डेथ के बाद इन्होंने लिखी थी। आगे चलते हैं, वर्ड्सवर्थ्स ब्रदर पास्ड अवे बाय, वर्ड्सवर्थ के जो भाई थे उनकी डेथ किस रीजन से हुई थी, मतलब किस डिसीज से वो मरे थे या किस कारण से उनकी डेथ हुई थी? ट्यूबरकुलोसिस से हुई थी, हार्ट अटैक से हुई थी, शिपरैक से हुई थी, या इनमें से कोई भी नहीं, बताइए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, शिपरैक, ठीक है, शिपरैक की वजह से उनका जो है डेथ उनके भाई की हो गई थी। स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉयस ऑफ गॉड, वेयर डज दिस लाइन अपीयर, ठीक है, तो ये लाइन कहाँ पर? ऑनलाइन नहीं दोस्तों, ये लाइन है, ठीक है, ये आप इसको मिस कर दें यहाँ से, तो ये केवल लाइन है। तो ये लाइन कहाँ पर मिलती है, कौन सी पोएम में मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉयस ऑफ गॉड, कौन सी पोएम से ये लाइन मिलती है आपको? ऑड टू लेमिया, ऑड टू एडवर्सिटी, ऑड टू स्टर्न डॉटर, या फिर ऑड टू ड्यूटी, बताइए कौन सी पोएम से आपको ये लाइन मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, टू ड्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोडेमिया इज, लोडेमिया क्या है? ये एक ड्रामा है, ये एक नॉवल है, या ये एक नैरेटिव पोएम है, या इनमें से कोई भी नहीं है, बताइए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आ नैरेटिव पोयम, क्या है दोस्तों ये एक नैरेटिव पोयम है। क्वेश्चन नंबर 7, द स्वीटेस्ट थिंग्स दैट एवर ग्रो बिसाइड अ ह्यूमन डोर, ये लाइन आपको कहाँ पर मिलती है? द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रो बिसाइड अ ह्यूमन डोर, टू लूसी से मिलती है, टू मेलंकली, टू ऑटम, या इनमें से कोई भी नहीं, बताइए जल्दी से। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, टू लूसी, टू लूसी से हमें ये लाइन मिलती है, द स्वीटेस्ट थिंग्स दैट एवर ग्रो। इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पोर्शन, होम इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग टू, ये लाइन जो है वर्ड्सवर्थ ने किसको रेफर की है? इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पोर्शन, कॉलेज को, मिल्टन को, सिस्टर ऑफ कॉलेज को, या फिर डोरोदी वर्ड्सवर्थ को। देखिए सिस्टर ऑफ कॉलेज को की है या फिर डोरोदी, डोरोदी कौन थी दोस्तों? ये वर्ड्सवर्थ की सिस्टर थी, डोरोदी वर्ड्सवर्थ। तो किसको इन्होंने ये लाइन मतलब रेफर की है इनमें से, बताइए? तो इसमें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब अपनी सिस्टर डोरोदी वर्ड्सवर्थ को। क्वेश्चन नंबर 9 है, माइकल इज द पास्टोरल पोएम,
जो इनकी माइकल है, ये एक पास्टरल पोएम है, तो दैट प्रेजेंट द पैथेटिक लाइफ ऑफ अ शेफर्ड माइकल. आपको पता है कि पास्टोरल पोएम कैसी होती हैं, इनमें एक जो शेफर्ड होता है, शेफर्ड्स की लाइफ को या सीप्स की लाइफ को इसमें बताया जाता है इन पोएम्स में. तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज सन, इसमें एक शेफर्ड है माइकल, उसके बेटे का क्या नाम है, ड्यूक है, माइकल जूनियर है, ल्यूक है, या इनमें से कोई भी नहीं है, बताइए जल्दी से, बताइए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा. तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ल्यूक. तो क्या नाम था जो था उसके बेटे का, क्या नाम था, ल्यूक. ओके चलिए नेक्स्ट. नेचर नेवर डिड बैटरी द हार्ट दैट लव्ड हर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही ज़्यादा, इनका तो आपको पता ही होना चाहिए. तो दीज लाइन्स आर इन, ये लाइन्स आपको कौन सी पोएम में मिलती हैं, सॉलिटरी रेपर में मिलती हैं, डेफोडिल्स में, टू मिल्टन में, या इनमें से कोई भी नहीं, बताइए जल्दी से. तो इसमें हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी. वैसे दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम है, इनमें यहाँ पर टिंटर्न एबे नहीं है ना, नन ऑफ दीज है ना, यहाँ पे आपका टिंटर्न, सॉरी मैं मिस्टेक से हो गया दोस्तों, तो अभी मैं आपको यहाँ पर करेक्ट कर देती हूँ इसको, ये इसको ना करके आप यहाँ पर लिखें टिंटर्न एबे, ठीक है, एक मिनट, टिंटर्न एबे, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा. तो कौन सी पोयम में है ये लाइन, नेचर नेवर डिड बैटरी द हार्ट दैट लव्ड हर, तो ये हो जाएगा आपका किसमें, टिंटर्न एबे में, मतलब इनमें से कोई सी भी पोयम में नहीं है ये, तो ये किसमें हो जाएगा, टिंटर्न एबे में. चलिए, वर्ड्सवर्थ मेंशन अबाउट बर्न्स एंड चैटरटन इन द पोयम, वर्ड्सवर्थ ने मेंशन मतलब बर्न्स को और चैटरटन को किस पोयम में इन्होंने मेंशन किया है, मतलब किस पोयम में इनके बारे में जिक्र किया है वर्ड्सवर्थ ने, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में, माइकल में, टू मिल्टन में, या इनमें से कोई भी नहीं, बताइए दोस्तों. तो 11वें में आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में इन्होंने बर्न्स और चैटरटन के बारे में बात की है. चलिए आगे, नोट विदाउट होप वी सफ़र एंड वी मॉर्न, वेयर डज दिस लाइन अपीयर, नोट विदाउट होप वी सफ़र एंड वी मॉर्न, ये लाइन आपको पीपल कैस्टल में मिलती है, सॉरी पीले कैस्टल में मिलती है, टू मिल्टन में, डेफोडिल्स में, या इनमें से कोई भी नहीं, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा. तो इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट, मतलब पीले कैस्टल, पीले कस्टल में, नॉट विदाउट होप वी सफर एंड वी मॉर्न, ये जो लाइन है ये है. द पोएम एलेजियक स्टेंजाज वॉज सजेस्टेड बाय अ पिक्चर ऑफ पीले कस्टल इन स्टोन पेंटेड बाय, एक पिक्चर यहाँ पर शो की गई है इस पोएम में. द पोएम एलेजिक स्टेंजा वॉज सजेस्टेड, मतलब ये जो एलेजिक स्टेंजा है पोएम में, ये सजेस्ट किया गया है एक पिक्चर के द्वारा, पीले कस्टल इन स्टोन. तो ये किसके द्वारा पेंट की गई है, सर जॉर्ज ब्यूमेंट, राफेल, माइकल एंजेलो, या इनमें से कोई भी नहीं, बताइए दोस्तों. तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, सर जॉर्ज ब्यूमेंट. मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट हिज आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा, आप इस पर जो है फूल पत्ती बना लीजिए बहुत सारी. तो मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट हिज आर, तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये लाइंस किस पोयम में आपको मिलती हैं, पीले कास्टल में, द बार्ड में, टू मिल्टन लंडन 1802 में, या फिर नन ऑफ दीज, मतलब टू मिल्टन को ही लंडन कहते हैं दोस्तों, है ना, टू मिल्टन को ही क्या कहते हैं, लंडन कहते हैं, तो लंडन 1802 कहते हैं. तो किस कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर 14 में, तो 14 में आपका हो जाएगा शी, ऑप्शन शी, टू मिल्टन 1802 लंडन, ठीक है. तो ये मिल्टन शुडेस्ट बी लिविंग एट हिज आर. दाउ शोल वाज अ लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, कि दाउ शोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, इसका आपको पता ही होना चाहिए. तो हुज सोल इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग हियर, यहाँ पर वर्ड्सवर्थ ने ये लाइन किसको रेफर की है, किसके बारे में ये लाइन उन्होंने बोली है, ये आपको बताना है. तो बताइए शेक्सपियर के बारे में बोली है, अर्नोल्ड के बारे में, टेनिसन के बारे में, या फिर मिल्टन के बारे में, बताइए जल्दी से. तो 15 में आपका हो जाएगा
ऑप्शन डी है ना। तो मिल्टन के बारे में उन्होंने ये बात किया, जैसा कि मिल्टन को बहुत ज़्यादा वो पसंद करते थे, तो मिल्टन के बारे में कई सारी लाइन उन्होंने बोली हैं। अभी पीछे एक लाइन गई है, वो भी मिल्टन के बारे में है और ये भी मिल्टन के बारे में है। द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रथ इज द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ, द अर्थ या फिर नेचर एंड पेन। ये जो अल्टरनेटिव टाइटल है, जो रथ जो इनकी पोयम है, रथ की जो स्टोरी है, तो ये जो रुथ कह दीजिए आप इसको या रथ कह दीजिए, ये जो भी आपको अच्छे से प्रोनाउंस होता है, तो रथ इज द अल्टरनेटिव टाइटल क्या है इसका, द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर है, मतलब अदर टाइटल कह दीजिए इसको, जिसे दूसरा नाम हम कह सकते हैं, तो इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ है, द अर्थ है, नेचर एंड पेन है। कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? तो इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, ये इसमें राइट हो जाएगा। द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज द सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन अ स्टेट ऑफ विविड सेंसेशंस। लैंग्वेज पोएट्री द सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज, जो पोएट्री है वो एक रियल लैंग्वेज का सिलेक्शन है, ठीक है। तो मैन इन अ स्टेट ऑफ विविड सेंसेशंस, कि मनुष्य जो है कैसी कैसी कंडीशंस में होता है, कैसी कैसी अवधारणाएं उसके अंदर रहती हैं, तो हुज ओपिनियन इज दिस, ये किसकी ओपिनियन है बताइए, कॉलेज की है, लैंप की है, वर्ड्सवर्थ की है या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? तो इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, वर्ड्सवर्थ के बारे में लाइन बोली गई है। नेक्स्ट है, इट मे बी सेफली अफर्म्ड दैट देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्रोज एंड मैट्रिकल कंपोजिशन। हुज कमेंट इज दिस, ये किसकी कमेंट है दोस्तों? इट मे बी सेफली अफर्म्ड दैट देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज और द प्रोज एंड मैट्रिकल कंपोजिशन। तो ये वर्ड्सवर्थ की लाइन है या फिर शैली की है, मिल्टन की है, या इनमें से कोई भी नहीं है, बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 19, कॉलेज वाज द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिकल डिक्शन इन, ठीक है, वर्ड्सवर्थ की पोएटिक थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन में कॉलेज को सबसे पहले क्रिटिसाइज किया गया है। तो बायोग्राफिया लिटरेरिया है, प्रिल्यूड है, लिरिकल बैलेट्स हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है, मतलब कौन सी पोयम को इसमें क्रिटिसाइज किया गया है वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन में? तो 19 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, बायोग्राफिया लिटरेरिया। वर्ड्सवर्थ सेटल्ड डाउन विद हिज सिस्टर डरोदी, वर्ड्सवर्थ जो है अपनी बहन के साथ सेटल हो गए थे, रहने लग गए थे, एंड कॉलेज एट एल फॉक्सडन, बट फॉर द लास्ट 50 ईयर्स, लेकिन जो उनके लास्ट जो 50 साल थे ऑफ हिज लाइफ लिव्ड एट डव कॉटेज, जो लास्ट के जो 50 साल उन्होंने बिताए, 50 ईयर्स, तो वो डव कॉटेज में बिताए, ग्रेसमेयर में, एंड फाइनली एट, और अंत में वो कहाँ पर रहे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको ये बताना है दोस्तों रेडल माउंट में, अल्फॉक्सडन में, अगेन दोबारा से, या फिर रोजमेयर में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है, बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, राइडल माउंट में, ठीक है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जल्दी से ही मैं लेकर आती हूँ, उनमें और आपके 20 क्वेश्चंस होंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपको पता होंगे, तो अच्छे से आप इसको कवर कर पाओगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मेरे चैनल पर हैं जो आप देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।